1856 के वक्त अचानक अफ्रीका में एक नोमांडा नामक 15 साल की लड़की लोगों को उनके पूर्वजों के बारे में बताने लगी। नोमांडा ने बताया जिस दिन लोग अपनी गाय भैंस मार देंगे, अपनी फसलों को पूरी तरह से मिटा देंगे, उसके 7 दिन बाद उनके पूर्वज जमीन में से जिंदा होंगे और उन्हें नई फसल और नए प्रकार के पशु देंगे। नोमांडा के अंकल उस देश के महाराजा के सलाहकार थे। उन्होंने महाराजा तक ये बात पहुंचाई और महाराजा ने पूरे देश की फसलों को जला डालने का फैसला सुनाया। 4 लाख गाय भैंसों को मारा गया। आखिर में ये सब एक अंधविश्वास था। आने वाले 2 सालों में वहाँ की 2/3 आबादी यानी 80,000 लोग भूख से तड़प कर मारे गए। नंबर 2, 2007 से पहले चाइना के हेनान शहर में एक प्रकार की औषधि प्रसिद्ध थी जिसे कई सौ सालों से एक अजीब प्रकार के ड्रैगन के हड्डी को उबालकर बनाया जाता था। वैज्ञानिकों ने जब उसे चेक किया तब उन्हें पता चला कि ये कोई ड्रैगन वैगन की नहीं, ये तो डायनासोर की हड्डी है। अबे तुम लोग इतने सालों से डायनासोर का कोई गलत हिस्सा तो नहीं पढ़ रहे थे? नंबर 1, 2012 में हमारे देश के मुंबई में अचानक एक मूर्ति में से पानी टपकने लगा। न्यूज आग की तरह फैली। इस पानी को पीने के लिए भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग पीते और उसे इकट्ठा करके लोगों को प्रसाद के तौर पर पिलाते। इस बेहद ही शुभ कार्य में बाधा तब पड़ी जब लोगों को पता चला कि किसी के टॉयलेट का पाइप फूट गया था और उसी का पानी लोग बार बार लाइन में लगकर पी रहे थे।